हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको आर्गुमेंट और मॉडुलस के बारे में बताया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आर्गेंड प्लेन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें बताई थी। अब इन्हीं बातों के ऊपर बेस्ड है उसी 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन, लेकिन उसको बिल्कुल हम यहाँ पर नहीं करेंगे, अब बड़े आराम से कर सकते हैं। हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 13 मिसलिनियस का उसको सॉल्व करेंगे, और उसमें क्या है कि उसमें आपको कुछ और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम 13। जेड इज इक्वल टू 1 + 2i, 1 - 3i, ये दिया है। 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, यही है ना, 1 + 2i, 1 - 3i। अब बोल रहा है इसका मॉडुलस और इसका आर्गुमेंट बताना है, ठीक है। देखिए, कभी भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो जो सबसे पहला काम होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, अगर ऑलरेडी दे दिया है a + ib या x + iy के फॉर्म का, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे a + ib और a - ib के फॉर्म का नहीं दिया है, यहाँ पे एक ऊपर अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट फॉर्म में दिया है, तब आप उसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में। तो अब आइए देखते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ जेड है, तो कुछ प्रॉपर्टी आप मॉडुलस की ज़रा देखिए, मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अगर z1 / z2 ये मॉड है, तो इसको हम लिख सकते हैं mod z1 / mod z2। दूसरा ये होता है कि z1 / z2 whole mod इज इक्वल टू mod z1 / mod z2, ये हो जाता है, ठीक है। और एक और होता है इस पर इससे रिलेटेड, z^n, इसका जो मॉड होगा वह मॉड ऑफ जेड का होल पावर n। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए कि जो मॉडुलस है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे z1 है 1 + 2i और z2 है 1 - 3i। तो आप इसको बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ सबसे सिंपली जो है, अगर मान लीजिए आपसे एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपसे केवल मॉडुलस पूछता, तो कोई ज़रूरत नहीं था कि आप उसको a + ib में कन्वर्ट करके अपना टाइम बर्बाद करिए, आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1² + 2², क्योंकि आप मॉड जानते हैं, स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट। और इसी तरह ये हो जाएगा √1² + -3² होल स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 1 + 4 = 5, तो √5 अपॉन 1 + 9 √10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं √5 और इसको लिख सकते हैं √2 और √5। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू √5 से √5 कैंसिल, 1 / √2 ये आ जाएगा। तो एक चीज़ तो आपने फाइंड कर लिया मॉड जेड, और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी अगर करेंगे तो वही आएगा, उसमें नहीं चेंज होगा, मॉड नहीं बदल सकता, ठीक है। अब आपसे बोला आर्गुमेंट फाइंड करना, आर्गुमेंट फाइंड करने में आपकी मजबूरी है कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा।
अच्छा एक चीज़ और, आप जानते होंगे इतना क्वेश्चन आप कर चुके कि अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी या जेड वन अपॉन जेड टू के फॉर्म में आंसर आ गया, तो डिनोमिनेटर में जैसे नाइन्थ टेंथ तक आप इरेशनल नंबर को हटाते थे, रेशनलाइज करते थे, उसी तरह से डिनोमिनेटर से आयोटा नहीं आना चाहिए कभी भी, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं रहना चाहिए। रियल पार्ट तो रह सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन इमेजिनरी नहीं, और यहाँ पे इमेजिनरी है तो इसको हटाते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। जेड वन अपन इस जेड को रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज करने के लिए एक टर्म आपको समझना जरूरी है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट जैसे मान लीजिए ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आई बी, और उसको लिखते हैं जेड बार से। जैसे अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और इसको लिखते हैं जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, और यह म्यूचुअल होता है। ए माइनस आई बी का कॉन्जुगेट कौन होगा? ए प्लस आई बी, और ए प्लस आई बी का कौन होगा? ए माइनस आई बी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो रियल पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी नहीं चेंज हो रही है, केवल साइन अपोजिट हो गया। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर्टी भी लगे हाथ देखते चलिए, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट यानी जेड बार का बार, डबल बार, ये हो जाएगा अगेन जेड। अब आपको अगर ये दे दिया गया है जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, तो आपको पता है कि इसका कॉन्जुगेट लिखना होगा, तो एक इसके ऊपर डैश बार और अप्लाई करना होगा, तो डबल बार आ गया जेड। तो ये समझ गए आप कि जेड का कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आई बी, और जेड बार का कॉन्जुगेट होगा ए प्लस आई बी, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको, उसके साइन को निगेटिव कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, निगेटिव नहीं, प्लस था तो माइनस कर दिए, माइनस रहता तो प्लस कर देते, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका कॉन्जुगेट बताना है, तो इस कॉन्जुगेट के लिए, कॉन्जुगेट क्या होता है आप समझ गए। अब इसके लिए हमको पहले तो इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में आए तब ना ए माइनस आई बी लिखेंगे, अभी तो ये जेड वन अपॉन जेड टू के फॉर्म में है, तो इस कैसे आप आएगा जब इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, इस डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी जेड को हम अगेन लिख सकते हैं वन प्लस टू आई होल अपॉन वन माइनस थ्री आई इंटू, अब इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन प्लस थ्री आई होल अपॉन वन प्लस थ्री आई, ये हो गया। तो इज इक्वल टू वन माइनस थ्री आई वन प्लस थ्री आई, ए माइनस आई बी और ए प्लस आई बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस टू आई इंटू वन प्लस थ्री आई होल अपॉन वन स्क्वायर माइनस थ्री आई स्क्वायर, अगेन इज इक्वल टू वन स्क्वायर तो वन हो गया, अब थ्री आई का होल स्क्वायर क्या होगा, नाइन आई स्क्वायर, और नाइन आई स्क्वायर जो होता है वह माइनस नाइन हो जाएगा, तो इतने की वैल्यू क्या आएगी माइनस नाइन, और एक माइनस यहाँ वाला था तो आप इसको लिखेंगे प्लस नाइन, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है ना, कि इसको हम रहने दें यहाँ, चलिए माइनस
नाइन आई स्क्वायर, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस थ्री आई अब प्लस टू आई अब प्लस सिक्स आई स्क्वायर। इसको अगेन रीराइट करके लिख सकते हैं, अब वन माइनस नाइन आई का स्क्वायर यानी यह माइनस नाइन और माइनस माइनस प्लस, तो अब यहाँ लिख सकते हैं टेन, वन माइनस माइनस नाइन टेन, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस फाइव आई, और यह सिक्स आई स्क्वायर जो होगा वो माइनस सिक्स होगा, तो वन माइनस सिक्स माइनस फाइव, और ये हो जाएगा प्लस फाइव आई। तो फाइव अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू आई। अब ये चाहे हम ये इतना लिखें और चाहे यह लिखें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम बात है, और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ दिस जेड इज माइनस वन बाई टू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस जेड इज वन बाई टू, तो आपको पता है कि जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर ई जेड अ होल अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ए, ये आपको पता है। तो इसके हिसाब से अगर लगाएंगे तो ए आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू अ होल अपॉन वन अपॉन टू, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ माइनस वन यानी वन आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वन, और इसका मतलब टेन थीटा जो हमको बताना था, टेन थीटा की वैल्यू आ गई वह वन आ गई। अब टेन थीटा अगर वन हुआ तो हमको जो आर्गुमेंट होता है एक्चुअल में वह टेन इनवर्स होता है इसका, ये ध्यान रखिए, ये जो लिखा गया है ना ये यहाँ पे इसका पूरा टेन इनवर्स, इसको करेक्ट कर लीजिए यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ या टेंजेंट ऑफ आर्गुमेंट लिख दें तब सही होगा। तो इसको लिखना यहाँ ज़्यादा सही है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ए आ जाएगा, और ए हो जाएगा आपका टेन इनवर्स माइनस वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, तो आ जाएगा टेन इनवर्स वन, और वन जो होता है किसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स टेन, ये तो टेन इनवर्स अपनी जगह पे था, वन को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, तो आ गया पाई बाई फोर, ठीक है। तो आर्गुमेंट आ गया पाई बाई फोर, लेकिन अभी हमारा एक क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअल में क्या है, इसके लिए हमको ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो हमारा एक्चुअल में जो आया नंबर वह ए था, ए नंबर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू आई, और यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते गए तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल गया जो आर्गुमेंट था यानी इसकी वैल्यू। अब इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कराएंगे तो माइनस वन बाई टू वन बाई टू, ये हमारा एक्स डैश है और यह वाई है, ए एक्स
वाई डैश माइनस वन बाई टू, सपोज करिए यहाँ है तो माइनस वन बाई टू कॉमा ज़ीरो, और यहाँ पे वन बाई टू है तो ज़ीरो कॉमा वन बाई टू। तो पॉइंट कौन सा हो गया, मान लीजिए ए पॉइंट है यहाँ, ठीक है, इसको एक हमको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, और ये जो पॉइंट पी था इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस वन बाई टू कॉमा वन बाई टू, ठीक। तो ये माइनस वन बाई टू कॉमा वन बाई टू है और यही पॉइंट पी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम में आपसे यह भी कह सकता है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, तो आप कहेंगे ए प्लस आई भी नहीं है तो पहले इसको कन्वर्ट करिए। मैंने पहले ही बताया कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन मिले तो पहले चेक करिए कि यह ए प्लस आई बी के फॉर्म का है कि नहीं, अगर नहीं है तो तुरंत उसको कन्वर्ट करिए। तो जैसे यहाँ नहीं था तो आपने कन्वर्ट किया, इस तरह से आ गया कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, तो पॉइंट पी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस वन बाई टू वन बाई टू। अब यहाँ पे आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आर्गुमेंट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आर्गुमेंट इज द एंगल थीटा बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन ओ पी, लाइन क्या रे कह लीजिए ओ पी। अब यहाँ से देखिए ए हो गया, इस पर हम दो तरीके से जा सकते थे, एक इधर से भी जा सकते थे, लेकिन इधर से जाने में क्लॉकवाइज में क्या था, जैसे यहाँ से चलना शुरू करते और यहाँ पहुँचते पाई को क्रॉस करना पड़ता, तो ये हमारे लिए ज़्यादा लॉजिकल है कि एंटी क्लॉकवाइज चला जाए। तो यहाँ पे हम इसको, हमें थीटा यह है तो थीटा फाइंड करने के लिए हमको इस ज्योमेट्री का हेल्प लेना है, तो ये हमको पहले अल्फा फाइंड करना होगा इस फिगर से। अगर अल्फा मालूम हो जाए तो थीटा बड़े आराम से मिल जाएगा। अल्फा क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है वन बाई टू, वन बाई टू होल अपॉन माइनस वन बाई टू, ए आ गया। अच्छा, इसके पहले जब मैं कर रहा था टेन इनवर्स वाले में तो मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं यहाँ माइनस वन बाई टू लिख रहा था, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए, इस तरह से समझिए आर्गुमेंट को, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, उसमें आप कन्फ्यूज होंगे। यहाँ समझिए आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट के लिए इस फिगर का हेल्प लीजिए। सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस वन बाई टू कॉमा वन बाई टू से। यहाँ ये पॉइंट मिल गया पी, पॉइंट पी यहाँ है और ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बनेगा वही एंगल आर्गुमेंट है, यही हमको फाइंड करना है। उसके लिए अल्फा फाइंड कर लें, तो अल्फा हो गया वन अपॉन टू अपॉन माइनस वन बाई टू, क्योंकि वाई अपॉन एक्स या बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी वन। तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ए अल्फा आ गया। मतलब अल्फा के किस वैल्यू के लिए टेन अल्फा वन होगा, तो अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाई फोर, ठीक। तो थीटा क्या होगा, यही तो आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, ए आंसर आ जाएगा। तो इसका मॉडुलस भी आप फाइंड कर लिए और आर्गुमेंट भी फाइंड कर लिए। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट आप पहले ग्राफिकली या रिप्रेजेंट करिए आर्गुमेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को, और फिर इस तरह से थीटा फाइंड करिए। थीटा फाइंड करने के लिए पहले अल्फा फाइंड करिए और उसके बाद देखिए कि आपका इंटरवल सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। कौन सा इंटरवल, माइनस पाई से
पाई के बीच का ए वाला इंटरवल। तो यहाँ पे हो गया 3π/4, तो इसका आंसर आ गया 3π/4। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आपको आर्गुमेंट आप जान गए, कॉन्जुगेट जान गए, मॉडुलस जान गए, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आप जान गए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कुछ प्रॉपर्टी आप देख लिए मॉडुलस का, तो इन दो क्वेश्चंस के ज़रिए आपको बहुत कुछ जानने को मिल गया। अच्छे से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि एनसीईआरटी का जो मिसलिनियस है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिसलिनियस के कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे।